तुम्हारी शक्ल खाला से इतनी कैसे मिलती है? कहीं तुम्हारा और खाला का कोई रिश्ता तो नहीं? नहीं तो? अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है? जी करवाई है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसीलिए आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। आप बताएंगे कि आपकी बीवी कितने महीनों से लापता है? महीनों से नहीं, दिनों से, लेकिन लगता है जैसे कि एक अरसा गुजर गया उसके बाहर। नहीं, आप दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई है? आपकी शादी हुई है? जी हाँ हुई है। अगर आपकी बीवी झगड़ कर चली जाए तो क्या आप इस तरह मीडिया को बुलाकर उनसे मदद मांगेंगे? हरगिज नहीं, इससे तो मेरी बदनामी होगी। That's my point. अगर हम झगड़े होते मैं आप लोगों को ना बुलाता मदद के लिए। इस वक्त जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, खुदा ना करे आप में से कोई भी इससे गुजर। I am sorry. It's all right. आपका काम है सवाल करना। कुरबान भाई आपको मेरी वाइफ की तस्वीर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसे अपने चैनल पे चलाएं और साथ ये भी अनाउंस करें कि जो भी हेल्प करेगा मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। थैंक यू कुरबान भाई। नहीं कोमल, मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरा शक है वो साहिर की वालदा ही है। समीना भाभी ने मुझे बताया था कि उनकी शक्ल खुबहू मेरी जैसी है और कुछ ऐसी बातें भी की थी जो अक्सर साहिर भी किया करते थे। अच्छा मैं बाकी तफसीलात में तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस एक बात का ख्याल रखना कि साहिर तक ये बात ना पहुंचे प्लीज। ठीक है, खुदा हाफिज़। तो तुमने मुझसे छुपाया कि तुम खाला नसीम को नहीं जानती? छुपाया नहीं है, मुझे तो अभी यकीन ही नहीं आ रहा। समीना प्लीज प्लीज किसी भी तरह मुझे उनके घर के अंदर ले जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं तो वो बदनसीब औरत हूँ जिसे ना सुहागन बन के सुख मिला ना मां बन के खुशी। ये ने सरमद आपकी चाय। आरत को बाद में पीता। ये क्या कर रहे हैं आप? जो ये काम, ये कैसा जरूरी काम है जो समझ में ही नहीं आ रहा? तो मत समझो ना, अपना काम कर लो जाके। कमाल बात करते हैं आप, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब तो दें। अभी नहीं बता सकता, जब काम पूरा हो जाएगा तब बता दूंगा।
क्या हो गया सरमद आपको? एक दो दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, आप मेरी बातों को टाल रहे हैं। मैं टाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और एक और चीज, प्लीज दो तीन दिन तक मुझसे सवाल आ सकता प्लीज। कोमल बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दो प्लीज। ये है खाला का कमरा, खाला यहाँ रहा करती थी। खाला के बेटे हैं, जानते हैं। जानती है? ऐसे बेटे की बीवी हूं, खाला नसीम की बहू। हाँ। खाला के बेटे कहाँ है? वो तो अपने घर में ही है, मैं उसे बताए बगैर आई हूँ। और उनके शौहर? उनका भी इंतकाल हो गया। खाला बताया करती थी इसका नाम दिलावर, बहुत सख्त आदमी था। छोटे से साहिर को वक्त से सख्त सजा देता था। एक दिन मैंने फैसला कर लिया, मैंने सोच लिया कि मैं साहिर को आज लेकर भाग जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, दिलावर ने हमें पकड़ लिया। कहने लगा कि तुमने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं साहिब को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे पर रोज रोज वो जुल्म होते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए
मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और यहां चली आई। खाला आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं। मैंने नहीं सोचा। मैं तो वो बदनसीब औरत हूं जिसे ना सुहागन बन के सुख मिला, ना मां बन के खुशी। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरा बच्चा, मेरा साहिर। सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाए। गले से लगा ले, मुझे अम्मा कहे। फिर चाहे मुझे मौत आ जाए, मेरा बच्चा, मेरा ब्रेकिंग न्यूज। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून साहर जमान सदीकी की अहलिया इशल ताहिर लापता हैं। जी हाँ, इशल ताहिर, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई। ब्रेकिंग न्यूज। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून साहर जमान सदीकी की अहलिया इशल ताहिर लापता हैं। जी हाँ, इशल ताहिर, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई। एक लड़की जिसका नाम इशल ताहिर है, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गोरी, पेशानी पर जख्म का निशान है, मुर्खा 17 जनवरी 2017 से लापता है। अगर किसी को इनके बारे में इल्म हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इत्तला करें। इत्तला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इशल, इशल, तुम मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? तुम चलो तो सही, तुम्हें बताती हूँ। लेकिन हुआ क्या है? आओ तो सही तुम। सबीना, क्या हो गया? तुम आओ तो सही। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम्हें बताऊंगी तो जो मेरी हालत है तुम्हारी से भी बुरी हो जाएगी, समझो गजब हो गया। साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तुम्हारा टीवी पे इश्तेहार चल रहा है। क्या? हाँ, और साथ में तस्वीर भी चल रही है और नंबर भी दिए गए जिस पे रابطہ करने को कहा गया है। और तुम्हें पता है जो तुम्हारी इत्तला देगा उसके लिए 50 लाख का इनाम रखा है। मुझे तो डर है कोई ये इश्तेहार देख ना ले। इशल, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा वरना तुम्हारी गर्दन होगी और साहिर के हाथ। हेलो, टीवी में इश्तेहार आपने ही दिया है ना?
जी मैंने ही दिया, ईशर का शौहर बोल रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे? मैं वो हूँ जो आपको आपकी बीवी तक पहुंचा सकता है। अखलाक, अखलाक बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात? घर से, उस घर से जहाँ इस वक्त आपकी बीवी रह रही है। पता लिखो। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहरा खुश्क निगाह है, खुश्क जिगर मौला। आँखों की पलकों से बुने यादें, बुन कर हसरतों को दे गुड़ा। आँखों की पलकों बुने यादें, बुन कर हसरतों को दे गुड़ा। नस नस में बहे है सर गोशियां, करे है बुझता दिया। तन्हाई सी तन्हाई है, रुसवाई सी रुसवाई है जीवन ये है। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहरा मौला। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को है या सहरा इशल। मैं नहीं जानती ये इशल कौन है। तुमने मेरा कीमती वक्त जाया किया, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। Thank you.
कितने पैसे? 100 रुपए। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप मुझे वापस आना है। कार अभी भी तो आई है आप। प्लीज आप बहस मत करें, मुझे वापस आना है। आप प्लीज मुझे वापस ले जाएं, जल्दी जल्दी चलाएं। तुम्हीं ने फोन करके बुलाया था ना मुझे? कहाँ है ईशल? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई है वो, कब तक आएगी? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। कौन, किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अम्मा, मेरे सामने ड्रामेबाजी करने की कोशिश भी ना करना। तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि मैं ईशल की बात कर रहा हूँ। कहाँ भगाया तुमने ईशल? ये कौन है? इस घर में तो हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, और तुम भी तो इसी घर में रहते हो, क्यों बिना वजह झूठ बोल रहे हो? समीना, सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी जुबान हलक से बाहर निकाल लूंगा। बताओ कहाँ गई है वो, तुम लोगों ने कहाँ भेजा उसे? क्या हो गया तुम्हें अखलाक? क्यों तुम चंद रुपयों के लिए एक अजनबी के सामने झूठ बोल रहे हो और हमसे भी झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहे हो? झूठ? अजनबी? हाँ सर, ये औरत आपकी बीवी की खाला है और उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सच नहीं बता रही। सही कह रही है? अल्लाह तौबा, आप मुझसे जिस तरह की चाहे कसम उठवा लें, मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। क्या ईशल? ईशल, मैं नहीं जानती ये ईशल कौन है। तुमने मेरा कीमती वक्त जाया किया, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, ये लाख झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी भी साबित कर सकता हूँ कि ईशल यहाँ थी और ये औरत उसकी खाला है। एक मिनट, मैं अभी आया। ये देखें ईशल का बैग, ईशल यहीं थी, ये औरत उसकी खाला है। ये देखें, अब बताएं कौन सच्चा और कौन झूठा। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं हम तो। जरा ये बताना पसंद करेंगे कि ईशल कहां है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो मुझे पता चल गया था कि इखलाक ने आपको बता दिया, इसलिए मैंने उसे पहले ही भगा दिया। और ये बैग? खुद छोड़ के गई है वो, कहती थी कि इन कपड़ों से उसकी बुरी यादें वाबस्ता है, इसलिए छोड़ गई। तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग आराम से माफ कर दिए मैंने। जब तक ईशल मुझे नहीं मिलेगी, तुम लोगों पे कड़ी नजर रखूंगा मैं। शिल भी गई, 50 लाख भी गया। जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही। आप फिक्र न करें, वैसे ही होगा। गुड, सारा खेल टाइमिंग का है, एक मिनट भी आगे पीछे हुआ तो खेल बर्बाद। जी आपको यकीन नहीं मुझ पे? यकीन है, इसलिए तो तुम्हें आया। मैं तुम्हें समझाता हूँ करना क्या। जो आप फिर से जी समझिए क्या तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
मेरे हाथ से 50 लाख रुपए चले गए। अगर वो पैसे आ जाते तो मैंने अकेले ने तो नहीं खाने थे, तुम दोनों पे भी लगाने थे अगर अकल से काम लेते तो। नहीं चाहिए हमें ऐसे पैसे जो किसी की जिंदगी बर्बाद करके मिले। तुम दोनों की अपनी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐश करने देते। पैसे आते, घर बनवाता, तुम दोनों पे लगाता। अगर इतना ही हमारा ख्याल है तो कोई काम काज क्यों नहीं करते? हक हलाल की कमा के खिलाएंगे तो हम आपकी कदर भी करेंगे और बात भी मानेंगे। चोटी के भी पर निकल आए है ना, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। देखो मैं आज तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। अखलाक, खबरदार अगर तूने आज समीना पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूंगी। अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से, निकलो। से ट्राई कर रही हूँ आप ही का नंबर, बिजी क्यों जा रहा है? ये इतनी लंबी बात किससे कर रही हैं? ईशल मेरी बात मानो तो तुम घर वापस आ जाओ। नहीं आ सकती समीना, वो घर साहिब ने देख लिया है, अब वो जगह मेरे लिए महफूज नहीं रही। कुछ नहीं होता, तुम अल्लाह के भरोसे आ जाओ। तुम लोग नहीं जानते हो साहिब को, अगर उन्हें किसी बात पर यकीन हो जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तो क्या तुम उसके डर से इसी तरह भटकती रहोगी? पता नहीं, लेकिन शायद फिलहाल मेरा मुकद्दर यही है। तो फिर तुम मेरी बात करा, मुझे दे। ईशल तुम वापस आ जाओ, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, और मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम घर आ जाओ बेटा। खाला, मेरी वजह से पहले ही आपके घर में बहुत मुश्किलात पैदा हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि मसले और भी बढ़े। बस खाला, मेरा एक काम कर दे, किसी तरह वो बैग मुझ तक पहुंचा दे। उसमें मेरा आईडी कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, सब डॉक्यूमेंट्स है उसमें। मगर तुम इस हाल में जाओगी कहाँ? खाला प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, उसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी। प्लीज खाला मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। टाइम हो गया, काम खत्म करो अभी और इसी वक्त। गो। ये लाख झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी भी साबित कर सकता हूं कि ईशल यहां थी और ये औरत उसकी खाला है। एक मिनट, मैं अभी आया। ये देखें ईशल का बैग, ईशल यहीं थी, ये औरत उसकी खाला है। अब बताएं कौन सच्चा और कौन झूठा। जी कुर्बान भाई। क्या धमाका हमारे ऑफिस में? अच्छा कुर्बान भाई, जो चीज जहां पड़ी है वहीं रहने दे, मैं फौरन आ रहा हूं। Thank you.
ऑफिशियल? खाला अब देहान से आई है ना, कहीं साहिर ने आपको देखा तो नहीं? नहीं, मैं बहुत देखभाल के आई हूँ। समीना नहीं आई? नहीं, उसे साथ लाती तो अखलाक को शक हो जाता। तो तुम नहीं रुकोगी? नहीं खाला, ये वक्त की जरूरत भी है और मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रुक सकती। अब तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं कहाँ जाऊंगी खाला, लेकिन जहां पे भी जाऊंगी आपको इतना दे दूंगी। खाला अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं खाला, आपका समीना के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगी तो वो इखलाक भाई का सामना नहीं कर पाएंगे। खाला आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी। अपनों से बढ़कर साथ दिया है आपने मेरा, लेकिन अब आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना। जहां पर भी जाओ खुदा तुम्हें सलामत और महफूज रखे। ये लो तुम्हारा बैग। बहुत शुक्रिया खाला। सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। अरे देखने लगा था, तब आपने फोन पे हदायत दी कि जब तक मैं ना आऊं हर चीज वही रहनी चाहिए जहां पर। ये अच्छा किया आपने, चलिए प्लीज सीसीटीवी फुटेज निकालें। कुर्बान भाई आप तो कह रहे थे कोई धमाका हुआ है, ये तो सिर्फ एक क्रैकर था। सर तब कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि हम सबको लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ। आवाज ही इतनी जोरदार थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। Is everyone all right? कोई जख्मी तो नहीं हुआ? हाँ जी सब ठीक है। I'm glad. सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। सर देखने लगा था, तब आपने फोन पे हदायत दी कि जब तक मैं ना आऊं हर चीज वही रहनी चाहिए जहां पर। ये अच्छा किया आपने, चलिए प्लीज सीसीटीवी फुटेज निकालें। एक सेकंड, वाकई फोन बाद मेरे ऑफिस में था? कोई ऑफिस का ही आदमी होगा। नहीं, अगर हमारे ऑफिस का होता तो धमाके के बाद बाहर ना आता, या तो ये बहुत ही बहादुर आदमी है या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे इस धमाके से फायदा हुआ। रिवाइंड करें जरा। चेहरे पे फोकस नहीं करके देख लिया है लेकिन चेहरा कैमरे में नहीं आ रहा। इसकी किस्मत अच्छी है, इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, वरना जो भी है जहां भी है इस अंदाजा नहीं इसने कितनी बड़ी गलती। क्या हुआ कोमल, परेशान लग रहे हो? Something alright? ईशर आपके को फोन नहीं लग रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हो, अपना ख्याल रख सकते हैं, बच्ची नहीं अब। सनमत ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जानते हैं वो वहाँ खाला के घर। पता है मुझे, लेकिन इस तरह परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो।
उसके फोन का वेट करूं? हाँ, मैं रूम में जा रहा हूं, मेरे लिए चाय ले आना। आपकी चाय। सरमद, ये सब क्या है? ये साहिर की बर्बादी का सबब। मैं आया?